तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे नए कैरेक्टर कश्मीर के बारे में। ये उसका फुल डिटेल रिव्यू है, उसका नाम, स्किल, स्पेशलिटी और सब कुछ। तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिनल नेम के बारे में। जो नाम है नील्स होलोवेल, लेकिन इनका स्टेज नेम है, क्योंकि वे स्पेशली एक डीजे है और 2070 में वर्ल्ड के टॉप 100 में से ये 12th पोजीशन पे थे। और उनका स्टेज नेम है, वो उन्होंने कश्मीर रखा है क्योंकि वो कश्मीर से इंस्पायर थे इसी वजह से। और ये है गाइस हमारे कैरेक्टर का फर्स्ट लोग कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा और कैसा दिखेगा। तो गाइज अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर फुल बॉडी में कैसा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से है हमारा कैरेक्टर, तो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर लग रहा है। आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि वो 20 डायमंड में बता रहा है। तो बता दूं कि ब्राज़ील के सर्वर पे है, शायद ये पार्टनर प्रोग्राम में होगा इसलिए उसको पता होगा, लेकिन हमारे इंडिया में वो 20 में नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ही होगा, शायद आलोक की तरह ही। लेकिन ये था उसका फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं कि उसकी एबिलिटी, उसकी जो स्किल है वो क्या हो सकती है। तो गाइस हमारा जो कैरेक्टर है कश्मीर, वो भी डीजे आलोक की तरह पार्टनरशिप यानी कि कोलाब्रेशन किया हुआ है गरीना के साथ, तो उसी की वजह से ये दिख रहा है। और इसका जो सरनेम है वो कैप्टन बोया रखा है, क्योंकि ये जो बोया इवेंट आने वाली है 25 अक्टूबर को, उसी के साथ ये कैरेक्टर आएगा, तो इसलिए इसका नाम कैप्टन बोया भी रखा हुआ है। तो इस कैरेक्टर में भी आलोक की तरह ही एक क्वालिटी है, जैसे कि आलोक जब उसकी स्किल एक्टिवेट करते थे तो हमें HP में इंक्रीज होती थी और फास्ट भाग सकते थे। तो इस कैरेक्टर के साथ हम स्किल एक्टिव करने के बाद फास्ट रन कर पाएंगे या नहीं, वो अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो स्किल है वो हमारी EP इंक्रीज करेगा, जिससे हमारी HP बाद में इंक्रीज होती है। तो स्किल एक्टिव करने के बाद हमारी कितनी EP इंक्रीज होगी वो फाइनल नहीं है, अभी तक वो रिवील नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि मैक्सिमम EP इंक्रीज बाय X, तो X अमाउंट रखा है, वो कितनी है वो अभी फाइनल नहीं है। इसके सिवा हमारा कैरेक्टर जियोजित्सु मोड में भी है, जिसमें ये जो हमारे साथ बंदे खेल रहे होंगे उनके भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ EP इंक्रीज करेगा कुछ टाइम के लिए, वो भी कितनी करेगा वो फाइनल नहीं है। तो गैस जैसे हम मशरूम खा के हमारी EP इंक्रीज करते हैं, बाद में हमारी HP इंक्रीज होती है, तो मुझे बेसिकली ऐसा ही लग रहा है, ये मेरा मानना है कि उसकी स्किल एक्टिवेट करेंगे तो हमें कुछ EP मिलेगी जिससे हमारी HP बढ़ सकती है, और उसकी रिकवरी जो स्पीड है हमारी HP इंक्रीज होने की वो थोड़ी ज़्यादा होगी, नॉर्मल जो हम मशरूम कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा होगी इसकी स्किल की वजह से। तो ये थी उसके स्किल के बारे में। और स्किल के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर्स भी फ्री फायर वालों ने इसमें दिया है कि इसके जो हैंड है वो ग्लोइंग हैंड है, जैसे कि आयरन फिस्ट हो। तो आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि देखिए गाइस इस कैरेक्टर के हैंड कैसे ग्लो कर रहा है, और जो वो पंच कर रहा है उस पंचिंग में भी वो इफेक्ट है। तो गाइस जो जियोजित्सु मोड है, तो जियोजित्सु जो है बेसिकली एक मार्शल आर्ट है, और ये जैपनीज टेक्निक है क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट के लिए, जैसे कराटे और वो सब है। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि ये जैपनीज मार्शल आर्ट है और ये क्लोज कॉम्बैक्ट में यूज़ होते हैं, और ये डिफेंस मोड और ऑफेंस मोड दोनों पे यूज़ होते हैं। तो इसे देख के गाइस मेरा ये मानना है कि इस एबिलिटी की वजह से जो मिले कॉम्बैक्ट है, जो यानी कि पंचिस है, और जो कटाना के किल है, उसमें हमें पावर में इंक्रीज देखने को मिल सकता है बाकी कैरेक्टर से। ये क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
ऐसे कोई अपडेट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये जियोजित्सु मोड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कैरेक्टर हमें कब देखने को मिल सकता है। तो गाइस, इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पे गरीन अफीफ्राई ने बताया था कि कैरेक्टर रेडी है, लेकिन ये कैरेक्टर नॉट टू बी सेट जस्ट येट, यानी कि ये अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये फाइनल है कि 25 अक्टूबर को जो बुया इवेंट आ रही है उसी के साथ ही हमें कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और इसके साथ इसके बुया इवेंट के स्पेशल इमोट्स भी है जो आप इमोट गैलरी में देख सकते हैं। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप जो जानना चाहते थे वो जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो अंटिल देन, स्टे सेफ।